साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। लाल हवेली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि उनके पास सबूत हैं, आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बना रखा है। आर्मी चीफ किसी अफसर को भेजें, तफसीलात बताऊंगा। आसिम मनीर साहब से हमारे काबिले एहतराम हैं, हमारे अजीम इदारे के सरबराह हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द ग्रुप को एंगेज किया है इमरान खान की जान लेने के लिए। शेख रशीद ने लाल हवेली खाली कराने से मुतालिक भी पुलिस और एफआईए को धमकी दे दी, जबकि फौजी क़यादत को मामले से दूर रहने की अपील की। मैंने अर्ज किया कि ये हमारी मलकियत है, हमारे अस्करी इदारे ना आए, हम उनका एहतराम करते हैं और हमारे भाइयों जैसे उनसे तल्लुकात हैं। कोई और आएगा तो हम उनसे मिन्नत तरला कर लेंगे, हमें आती है, ये लाल हवेली है, भाभड़ा बाजार है, यहाँ पर अगर गली मोहल्ले में कुछ हुआ तो फिर किसी को गिले शिकवे नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने शेख रशीद के इल्जामात पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। कहते हैं कि शेख रशीद सीवी लेकर घूम रहे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने उन्हें नौकरी पर रखने से जवाब दे दिया है। शेख रशीद लाल हवेली से बेदखली से बचने के लिए इल्जामात लगाकर मुल्क में आग लगाने की साजिश कर रहे हैं।